नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। आज भी लोग सेना में जा रहे हैं। सेना में जाने का उनका उत्साह और चाहत है। यह ऐसा सम्मानित स्थान है या वह दिशा है जो हर किसी को नहीं मिल सकती। जो उसकी काबिलियत रखते हैं वही उस काम को कर सकते हैं। इसी काबिलियत के आधार पर देश का सम्मान बना रहता है। यह विचार यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव में व्यक्त किए हैं। चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव में क्षेत्रीय युद्ध स्मारक सेक्टर 3 पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ने वाले शहीदों और सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद किया गया। यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज लाखों लोग चाहते हैं कि सम्मानित नौकरी को करूं, लेकिन सबको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। आपकी सोच के आधार पर देश का भविष्य बनने वाला है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में सेक्टर 1 स्थित चंडीगढ़ क्लब के बाहर से ब्रेव हार्ट राइड को हरी झंडी दिखाई गई। इस राइड में 43 अलग अलग क्लबों और संगठनों के 800 मोटर बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। अंत में कर्नल आरपीएस बराड और ब्रिगेडियर जेएस अरोड़ा और कर्नल टीएस पालीवाल की देखरेख में उनकी आयोजित टीम द्वारा दिखाई गई कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और उक्त कल्पना को धन्यवाद दिया गया। और देश के सम्मान में ही हम सबका सम्मान है, इस बात को आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप में सीखे। कुछ ऐसा हो रहा है कि युवा पीढ़ी और आगे नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं आती तो अब सेना अब तक पूरी हो जाती ना। निरंतर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि युवा नहीं आ रहे। देखो, मैं सोचता हूँ कि कोई उसमें ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि उन्हीं में से आगे सेलेक्ट होते हैं। परंतु सर, पहले ये होता था ना, स्कूल टाइम से जब बच्चों से पूछा जाता था क्या बनना है, तो एक ही नाम होता था कि फौजी बनना है हमें। परंतु आज वो चीज नहीं रही है युवाओं में। देखो, ऐसा नहीं है, आज भी फौजी बन रहे हैं, आज भी लोग सेना में जा रहे हैं। सेना में जाने का उनका एक उत्साह और चार्ज है। कारण क्या है कि ऐसा सम्मानित जो स्थान है या वो दिशा है, वो हर किसी को नहीं मिल सकती। जो उसकी काबिलियत रखते हैं वही उस काम को आगे कर सकते हैं, और काबिलियत के आधार पर देश के सम्मान और सम्मान रहता है। और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि हर लाखों लोग चाहते हैं कि मैं सम्मानित नौकरी को करूँ, पर सबका तो फिजिकली और बाकी जिससे मेंटली फिट होना चाहिए, वो होने के बाद ही सेना का सिलेक्शन है। कोई ऐसा तो नहीं है कि चाहे जिसको भी भर्ती कर लिया जाए। आप कुछ न कुछ ऐसा संदेश दे के जाते हैं जिसे युवा जो है प्रोत्साहित हो? मैं सोचता हूँ कि युवा ही देश का भविष्य है। आपके सोच के आधार पर देश का भविष्य बनने वाला है। कौन किस जगह काम करता है, हर आदमी अपनी ईमान से, अपनी मेहनत से और परिश्रम से काम करे कि देश चारों तरफ से सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और युवा सब अपनी काम को करते हैं, तभी तो 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। सर, अपने सैनिक हर साल इस फेस्टिवल में अपने जौहर दिखाते हैं, इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिला? देखो, मैं तो अभी यहाँ नया हूँ, मैं जब इन देखूंगा तो उसके बारे में वर्णन कर पाऊंगा। अभी तो केवल आप लोगों के पूछने के आधार पर कहता हूँ, पर मेरा अनुभव यह है कि वास्तव में जो कुछ भी ये प्रदर्शन करते हैं वो भी एक शौर्य का प्रतीक होता है। देखिए, लिट फेस्ट जो है वो तो कई सालों से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इसमें ना सिर्फ लिटरेचर के बारे में डिस्कशन भी होते हैं, लिटरेचर के बारे में भी होते हैं डिस्कशन होते हैं, और कई फौजी जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई जाती हैं। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों को हम इंस्पायर कर पाए, ताकि और बच्चे आर्म फोर्सेस के बारे में उनको पता चले और वो ज्वाइन भी करें। तो ये दिस इज नाउ 7th 8th तो 7 तो ये हो चुके हैं और बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, और हर साल मैं देखता हूँ कि और भी इम्प्रूवमेंट आती रहती है। तो उसमें अच्छा लगता है जब बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो और इस बार ये जो है कारगिल विजय का 25th एनिवर्सरी रजत जयंती भी मना रहे हैं उसके साथ में। तो इस बार जो लिट फेस्ट है उसके बीच में बहुत डिस्कशंस होंगे कारगिल लड़ाई के बारे में भी,
कि क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, और शूरवीर जो कई हमारे उसमें जिन्होंने भाग लिया वो भी, उनके बारे में भी। मैं खुद उस वक्त आर्मी चीफ था जब ये लड़ाई हुई थी, तो मैं तो बहुत अच्छी बात है कि उसके बारे में लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने, आर्मी नेवी एयर फोर्स तीनों ने मिलकर ये विजय हासिल की थी 1999 में। सर आजकल के बच्चों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उतना क्रेज पहले जैसा नहीं रहा आर्म्स में जाने का। नहीं, पहली बात तो ये है कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत फैल गई हैं। तो पहले अपॉर्चुनिटीज कम होती थी तो लगता था कि या तो सिविल सर्विसेज में जाए या आर्म फोर्सेज में जाए या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल गई हैं और तो इसलिए बच्चे दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी उसका हासिल करना मांगते हैं। और शौक अभी भी है बच्चों को, और अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो ये जो अग्निवीर हमारी शुरू हुई है एक एंट्री उसके बीच में, अभी भी बहुत जवान आते हैं उसके लिए शामिल। कैसे देखते हैं सर आप अग्निवीर को, कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हुई, काफी लोगों ने विरोध भी किया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये जरूरी था क्योंकि हर एक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके बीच में जब तक पूरी उम्र आप काम करते रहो और उसको पेंशन मिलती रहे, तो देखना पड़ता है कि अपने देश की इकोनॉमी क्या है। और दूसरी बात ये भी थी कि हम लोगों को आर्म फोर्सेस में, खासकर आर्मी में, हमको जवान चाहिए जो यंग एज वाले होंगे। आपने, मैंने तो खुद देखा है कारगिल की लड़ाई में जो जवान लड़के थे तो उनको पहाड़ चढ़ना उनके लिए आसान था, जो नहीं थे उनके लिए मुश्किल था। तो इन चीज़ों को देखकर ये जो है मैं समझता हूँ कि अच्छी स्कीम है। जो इसमें एक छोटी मोटी जो कमियां पाएंगी हम देख रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रही है आर्म की नेवी एयर फोर्स, तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी वो सही किया जाएगा। ये अभी स्कीम शुरू हुई है और जो भी इसमें कोई कमियां होंगी तो उसको एक दो साल में उसको ठीक किया जाएगा। तो पिछले कुछ सालों में इंडिजनाइजेशन या सेल्फ रिलायंस के ऊपर काफी फोकस रहा है, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उस वक़्त हम तकरीबन 75% अपना जो हथियार और बाकी असला था हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था और हमको मिलता नहीं था। उस वक़्त लड़ाई के वक़्त भी बहुत शॉर्ट चीज़ें हमारे पास कमियां थी, पर और देश की सुरक्षा के लिए ये आत्मनिर्भर होना, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस वेपन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभी स्कीमें चली हैं आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और भी बढ़ती जाएंगी। So, what do you think ये or the lessons to learn from the ongoing conflicts like Russia, Ukraine or Israel, Hamas? Look, the armed forces are watching them carefully, observing them very carefully. Okay, and all the new issues which are coming up, new concepts which are coming up, they are all watching and we are drawing those lessons and we are incorporating them. I mean, I keep hearing discussions which are taking place. So it is not that we are just looking at it only, but we are also absorbing those lessons and making them as part of our doctrines. So ye jo dusri challenges hai like cyber warfare bhi aajkal bahut zyada badh gaya hai, ye nahi hai. Dekhiye abhi jo ladai hai, ladai ka this nature of conflict has expanded quite a lot. You know, a lot of things have come, particularly cyber war you mentioned to you. Similarly, in different fields now we have to be. So these are new aspects of our nature of conflict which are being observed and which are being also, these lessons are being absorbed by the armed forces. Can I just say something? Yeah. Now that you mentioned cyber warfare, but it's not just cyber warfare, because warfare has changed in scope and size.
And if you come to the Military Literature Festival, there's a complete panel discussion on this particular point of the increased domains of warfare. Because earlier, in Al-Firdawsi's Shahnama, he had written that Alexander